पास्ता तो बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो आज हम बनाने वाले हैं मात्र 5 मिनट में इंस्टेंट पास्ता, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लीटर जितने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 2 छोटे चम्मच जितना नमक। नमक को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पानी में एक उबाल आने तक इसे गर्म होने देंगे। जब पानी में अच्छा उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे लगभग 1.5 कप जितना पास्ता। इसे डालकर मिक्स करेंगे और इस पास्ता को हल्का सॉफ्ट होने तक इसमें अच्छे से पकने देंगे। पास्ता को पकने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। आपको इसे लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच बीच में हल्का हल्का मिक्स करते रहें और पास्ता को अच्छा सॉफ्ट होने तक पकने दें। थोड़ा टाइम बाद हम पास्ता को चेक करेंगे। आप लेकर हाथों से चेक कर सकते हैं ये सॉफ्ट लग रहा है या फिर इस तरीके से बीच से कट रहा है, यानी पास्ता अच्छे से पक कर तैयार है। तो बस अभी हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज़ पास्ता ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पास्ता में से जितना भी एक्स्ट्रा गर्म पानी है उसे स्ट्रेन करके अलग निकाल देंगे। पास्ता जो है वो ओवर कुक ना हो, इसके लिए हम इसे जल्दी से नॉर्मल पानी से धो देंगे, जिससे पास्ता जो है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा और इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा कुकिंग है वो रुक जाएगी। अब हम इस पास्ता को अच्छे से ठंडा होने देते हैं, तब तक हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का पास्ता बना रहे हैं, इसके लिए एक पैन में डालेंगे लगभग 4 छोटे चम्मच जितना ऑयल। ऑयल को अच्छा गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना जीरा, 1 पिंच जितनी हींग, जिससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना राई। राई को ऑयल में अच्छे से चटकने देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। तो ये मैंने लगभग 2 लाल मिर्च ली हैं, जिसे हल्का सा तोड़ दिया है बीच में से। साथ ही डालेंगे हम थोड़े से मीठे नीम के पत्ते और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एकदम धीमी आंच पर अच्छा कलर चेंज होने तक भुनने देंगे। लहसुन को अच्छे से भुनने के बाद इसमें डालेंगे 1/4 कप जितनी मूंगफली, 1 बारीक कटी हुई प्याज और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इस प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देंगे। तो यहाँ हमारी प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने एकदम बारीक पीसेस में कट करके रखा हुआ है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर और हम इसमें डालेंगे 1 सैशे जितना ये मैगी मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसमें मैगी मसाला ज़रूर ऐड करें। मैगी मसाला डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इन टमाटरों को हल्का सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। तो यहाँ हमारे टमाटर भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए पास्ता। पास्ता को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को एकदम हाई रखेंगे और तेज आंच पर पास्ता को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी पास्ता बनकर तैयार हो गया है। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हल्का सा मिक्स करेंगे इसे और ये हमारा बहुत ही इंस्टेंट इंडियन स्टाइल तड़का पास्ता बनकर तैयार है। आप भी एक बार इस रेसिपी से ये पास्ता ज़रूर बनाकर देखें, यकीन माने बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।